आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं कायनात सिद्दीकी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 11 की छात्रा, क्रमांक 10 की छात्रा आपके सामने एक एकल अभिनय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह अभिनय हिंदी साहित्य की छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की आत्मकथा है। धन्यवाद। निशा की धौ लेता राकेश चांदनी में जब उनके खोले, कली से कहता था मधुमाश बता दो मदिरा का मोल, बिछाती थी सपनों की जाल तुम्हारी वा करना की कोर, गई वहां अधूरों की मुस्कान मुझे मधुमय पीड़ा में भाए। मैं महादेवी वर्मा और ये मेरा प्रथम रचना। मेरा जन्म 24 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ। मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों का जन्मी। करीबन 200 वर्षों तक मेरे परिवार में कोई कन्या थी ही नहीं और फिर मेरे बाबा ने दुर्गा पूजा की, क्योंकि दुर्गा माँ हमारी कुल देवी थी। उसके बाद मेरा जन्म हुआ। मेरी बड़ी खातिर हुई, मेरी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी भी सीखूं, पर वह मेरे बस की नहीं थी। उर्दू और फारसी के शिक्षक जब मेरे घर आते तो मैं पलंग के नीचे छुप जाती और कहती, बाबा उर्दू और फारसी मुझे नहीं पढ़ती, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। मेरी पूरी शिक्षा क्रॉसवर्थ कॉलेज में हुई। मैं एक छायावादी कवयित्री हूँ। मेरे कुछ काव्य हैं निहार, यमा और दीपशिखा। मेरे कुछ गद्य रचनाएं भी हैं जो हैं पथ के साथी और अतीत के चलचित्र। यह मेरी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मुझे भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। मैं पशु और पक्षियों से बहुत प्यार करती हूँ, आप सब भी करते होंगे। मेरे घर में कई प्रकार के पशु और पक्षी हैं जिनके मैं अलग अलग नाम रखती और उन्हें बड़े प्यार से बुलाती। कई सालों पहले मेरी एक हिरनी थी जिसका नाम शोना था। उसकी मृत्यु के बाद मैंने 2 से 3 दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं किया। 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल भोजन ग्रहण नहीं किया। मैंने अपने काव्यों में इन जानवरों का भी चित्रण किया है, जैसे सोना हिरनी, नीलकंठ और गौरा जो मेरी एक प्यारी गाय पर आधारित है। मेरा कार्यभार था कि मैं लेखन करती, संपादन करती और अध्यापन करती। प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में मैंने कई योगदान दिए हैं। उस समय यह महिलाओं के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी कदम था और मैं इसकी प्रधानाचार्य और कुलपति। मैंने महिलाओं की पत्रिका चांद के संपादन का भी कार्यभार संभाला।
मैं बौद्धिपन से प्रभावित थी। गांधी जी के प्रभाव में आकर मैंने झांसी जाकर वहाँ कई कार्य किए और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी। मेरी बचपन की सहेली जिसने खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, जैसी प्रसिद्ध कविता लिखी जिसका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान था। एक दिन वह मेरे पास आती और कहती, महादेवी देखो मैंने एक कविता लिखी है। मैंने उससे पूछा, दिखाओ क्या कविता है, तो वो मुझे दे दी। और जो कविता कुछ इस प्रकार थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वादों झांसी वाली रानी थी। यह कविता सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई और उसे कहा, ये बहुत अच्छी कविता है। एक कुछ दिनों बाद उसने एक और कविता लिखी जो थी वीरों का कैसा हो बसंत। और दूसरी तरफ मैंने भी एक कविता लिखी, मंदिर में ये दीप इसे निरव चलने दो। एक तरफ वो लिखती और एक तरफ मैं, एक तरफ वो थी और एक तरफ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जैसे और कई कवि जिनसे मैं जीवन भर जुड़ी रही। मेरे जीवन में जो भी आता वो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता था। मैंने इसका चित्रण अपनी किताबों में भी किया है जो हैं पथ के साथी और मेरा परिवार। मेरा हिंदी साहित्य में जो भी योगदान है उसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी और मेरी आने वाली पीढ़ी को मेरे साहित्य से कुछ भी प्रेरणा का स्रोत मिलता है तो वह मेरी मेरा भाग्य होगा। जय हिंदी, जय दुभारतम।